करनाल से सांसद व भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया ने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बयान दिया है कि इस जन समर्थन यात्रा में आम समाज के लोगों की भागीदारी व उत्साह देखने को मिली। पहली बार किसी सरकार के 5 वर्ष पूरे करने के बाद इस तरह का उत्साह देखने को मिला है। संजय भाटिया आज सिरसा के लोक का विश्राम गृह में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जातपात व परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया है। पहली बार हरियाणा की राजनीति में एक ऐसी पॉलिटिकल इवेंट हुई है जिसके अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ, संगठन की योजना के साथ आम समाज की भागीदारी सब प्रेरणा से थी। एक तो हम कार्यक्रम रखते हैं, सभा रखते हैं, उसमें हमारे प्रयास से कोई भी नेता कार्यकर्ता समाज को जोड़ता है, लेकिन एक समाज के अंदर एक मन में एक उत्साह था, एक विश्वास था। राजनीति में अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा, और ख़ासतौर पे हरियाणा की राजनीति के अंदर, कि 5 साल आपकी सरकार चल जाए और सरकार के जब चुनाव से अंतिम मंथ के अंदर ही आप देखोगे लोगों का सरकार जब बनी थी 5 साल पहले उससे भी ज़्यादा उत्साह दिखाई दे, ये अपने आप में एक बड़ा, मेरे जीवन में तो इस तरह की पहली घटना थी। ये मुख्यमंत्री जी की नेक नीयत और ईमानदारी की सोच के कारण मैं समझता हूँ कि हरियाणा की राजनीति के अंदर जो और भी राजनेता हैं जिन्होंने राजनीति करनी है, अब उनको अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरह से पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद या करप्शन उनके माइंड में रहती थी भी किसी तरीके से मेरे घर में पैसा आ जाए, ये सोच अब मुझे लगता है कि एक ये 5 साल का कार्यकाल और ख़ास तौर पर जो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, ये सब पॉलिटिशियन के लिए एक दिशा दे के गई है। आगे से उनको अगर सरवाइव करना है राजनीति में, तो ये आप जाति पाति का नारा दे देते हो, कभी कुछ देते हो चुनाव जीतने के लिए, अगर उनको सरवाइव करना है तो कम से कम अपनी अच्छी सोच और अच्छी नीयत दिखानी भी पड़ेगी और व्यवहारिक रूप से लागू भी करनी पड़ेगी। संजय भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कल से भाजपा द्वारा महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत बूथ स्तर तक संपर्क चला लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। न्यूज फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। जो आज संगठन ने आगे के कार्यक्रम सोचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अभी मेरे से थोड़ी देर बाद पूछोगे इसे ही, आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी, यात्रा के समय में लोग यही पूछते थे, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों के अंदर ये आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और चुनाव की घोषणा होगी। तो उस नाते से हमने एक महा जन संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, जो कल से शुरू होकर 15 तारीख तक अपने पार्टी के सिंबल को लेके, अपने पार्टी की किए हुए कार्यों को लेके, अपनी सरकार के किए हुए कार्यों को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता अगले 4 दिन सड़कों पर होगा और बूथ अनुसार एक एक जाकर घर को नौक को डोर करेगा, डोर को नॉक करेगा और एक एक व्यक्ति से, एक एक वोटर से, परिवार के सभी सदस्यों से हमारा कार्यकर्ता मिलेगा। ये हमारा संपर्क अभियान रहेगा। इसके बाद सभी मोर्चे जो हमारे, चाहे महिला मोर्चा है, चाहे हमारा बीसी मोर्चा है, चाहे हमारा एससी मोर्चा है, चाहे हमारा महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, सब मोर्चे अभियान को लेकर चलेंगे। बूथ अनुसार हमारी कार्य पद्धति रहेगी जिसमें हर मोर्चे के 5-5 सदस्य, कहीं युवा के 10 सदस्य, इस तरह बना के कार्यक्रम बना के वो मोर्चे हमारे पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। और 17 तारीख को हमारे जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं मोदी जी, उनका जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम केवल सेलिब्रेशन का या एंजॉय का नहीं होगा, सेवा का काम होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता उस दिन को सेवा दिवस मानकर वो सेवा कार्य करेगा। और हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी 2 दिन का प्रवास रहने वाला है, 16 और 17 को वो भी रहेंगे। और 2 क्लस्टर्स के अंदर लगभग 7 जिलों की एक बैठक हमारी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक रहेगी, और जिस जिले में कार्यक्रम होगा वहाँ के बूथ अध्यक्ष तक उसके अंदर आएंगे। मान लो एक क्लस्टर हमारा है झज्जर, सोनीपत और रोहतक का, और एक क्लस्टर हमारा है पानीपत, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र का। ये 2 क्लस्टर्स की मीटिंग उस 2 दिनों के अंदर होगी। और 2 एक विशेष वर्ग के कार्यक्रम, जैसे एक खिलाड़ियों का कार्यक्रम एक हर जिले के अंदर
विचार किया कि एक बड़ा कार्यक्रम हो और पूर्व सैनिकों को लेकर भी एक कार्यक्रम हो। ये योजना रचना को लेकर इतने कार्य थे जिसको लेकर आज की बैठक के लिए मैं आपके बीच में आया था।